नमस्कार, मैं ललित श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अपने इलाके में हर कोई उन्हें श्रीमंत जी या महाराज जी कहता है। इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो, लोगों को छोड़ दिया जाए तो। भाजपा में आने के बाद से उनके कई अलग अलग रूप नज़र आए हैं। खास बात यह कि वो अपने इलाके में खासे सक्रिय रहते हैं। ना सिर्फ सक्रिय रहते हैं बल्कि अब उनकी सक्रियता सुर्खियाँ भी बनती है, हेडलाइंस भी बनती है। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच शिवपुरी के कोलारस में सिंध नदी में अचानक जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव के चलते 11 लोग उसमें फंस गए। जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर प्रशासन की टीमों को मदद के लिए भेजा, लेकिन बहाव इतना तेज था कि लोगों को टापू से निकालना मुश्किल था। ऐसे में सिंधिया पूरी रात नहीं सोए और प्रशासन और SDRF की टीम से लगातार वो अपडेट लेते रहे। पहले आप ये सुनिए और फिर आगे। कैसे हो आप? सब सुरक्षित आ गए ना? वहाँ 24 घंटे बेचारे पूरे रात रह गए थे आप? मैंने वहाँ प्रशासन से बात करके, आप सब सुरक्षित हो ना? हाँ, डर भी लग गया होगा तुमको। हाँ, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और घर पे सबको कह देना मेरी शुभकामनाएं, और तुमको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, चिंता ना करें। सबको सबको मेरा प्यार दे देना घर पे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, और मझारी में भी सबको कह देना मेरे तरफ से, ठीक है? और भैंस भी ठीक है? भैंस भी ठीक है ना? ठीक है, अपना ख्याल रखना राजपाल। दरअसल SDRF की टीम खबर लगते ही पहुंच गई थी, लेकिन सिंध का जो जलस्तर है, सिंध नदी बहुत एग्रेसिव हो जाती है बारिश के दौर में, तो सिंध का बहाव बहुत तेज हो गया और नाव से रेस्क्यू करना असंभव था। इस दौरान सिंधिया SDRF से लगातार अपडेट लेते रहे। SDRF ने बताया कि फंसे हुए लोगों को पानी का बहाव कम होने पर ही रेस्क्यू किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि नाव से रेस्क्यू नहीं हो पाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अगर पानी का बहाव कम नहीं होता है तो फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जाए। हालांकि बाद में बहाव कम हुआ और रेस्क्यू शुरू हो सका। पानी के बहाव में फंसे लोगों में एक चरवाहा भी था। सुरक्षित रेस्क्यू के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चरवाहे से फोन पर बातचीत की, हालचाल लिया उसका, और यह भी कहा चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चरवाहे से उसके मवेशियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। चरवाहे ने बताया कि मवेशी भी बचा लिए गए हैं। आपको फिर बता दें कि कोलारस के भड़ौता थाना इलाका ये लगता है, जहां सिंध नदी एकदम से उफान पर आ गई। जैसे मैंने बताया कि बहुत एग्रेसिव हो जाती है सिंध। तकरीबन 11 लोग रपटा पार करते वक्त सिंध के बहाव में फंस गए थे। महिला शामिल थी, 3 बच्चे इसमें शामिल थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। न सिर्फ इन लोगों ने बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चैन की सांस ली। हालांकि चैन की सांस के चक्कर में रात भर ये पूरा घटनाक्रम चला और सिंधिया सो नहीं पाए। कैसे हो आप? सब सुरक्षित आ गए ना? वहाँ 24 घंटे बेचारे पूरे रात रह गए थे आप? मैंने वहाँ प्रशासन से बात करके, आप सब सुरक्षित हो ना? हाँ, डर भी लग गया होगा तुमको। हाँ, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और घर पे सबको कह देना मेरी शुभकामनाएं, और तुमको सुरक्षित घर पहुंचा दिया, चिंता ना करें। सबको सबको मेरा प्यार दे देना घर पे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, और मझारी में भी सबको कह देना मेरे तरफ से, ठीक है? और भैंस भी ठीक है? भैंस भी ठीक है ना? ठीक है, अपना ख्याल रखना राजपाल।